सो लेट्स डिस्कस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म. इससे पहले हम कर चुके थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्म, जो हमें मिला था क्या, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में देखना है. इसका मतलब क्यों 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 लिखना है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. हमने सिर्फ क्या देखा था अभी तक, मैग्नीट्यूड की कितना अमाउंट फोर्स लग रहा है. ठीक है, मैं देखिए जल्दी से वेक्टर फॉर्म में. लेट सपोज देर आर टू ऑब्जेक्ट्स एम वन एंड एम टू सेपरेटेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर. आप लोग हमेशा जब भी रीड करें इसी तरीके से, जैसे मैं रीड करता हूं, सेपरेटेड बाय देयर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. तो जब आप ये बोलने की प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो जाएंगे कि डिस्टेंस सेंटर से ही लेनी है. ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपसे गड़बड़ कभी भी नहीं होगी. एम वन एम टू सेपरेट बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर, देन फोर्स, देन सम अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर. एम वन विल बी अट्रैक्टिंग एम टू एंड एम टू विल बी अट्रैक्टिंग एम वन. लेट सपोज एम वन इज अट्रैक्टेड बाय एम टू, दैट मीन्स एम टू इज अट्रैक्टिंग एम वन बाय सम फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एफ वन टू. एफ वन टू की डायरेक्शन इधर है. एंड लेट सपोज इस डायरेक्शन के लिए जो एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करें, क्योंकि क्या होता है आई कैप जे कैप ये तो हमारे पास होते ही है, लेकिन ये सिर्फ किसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. लेकिन अगर ऐसे में तिरछा लिख देता इस तरह का बनाता फिर इस डायरेक्शन को आप कैसे डिफाइन करते. तो हमें क्या करना है, इन जनरल काम करना होता है. तो आई कैप जे कैप के कैप तो फिक्स है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन. रैंडम डायरेक्शन के लिए हम हमेशा आर वेक्टर यूज करते हैं, और इसके लिए डायरेक्शन के हिसाब से इसका यूनिट वेक्टर यूज करते हैं. वो यूनिट वेक्टर क्या बोला जाता है, आर कैप. ठीक है, आर कैप की डायरेक्शन आर वेक्टर जिस डायरेक्शन की, अगर मैंने आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर बोली है तो आर कैप विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां पे मैं इन जनरल लिख रहा हूं. लेट सपोज दिस डायरेक्शन इज मेंशनड बाय और गिवन बाय द वेक्टर आर वन टू. सो व्हाट इज आर वन टू, हियर आर वन टू कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम, इसको इस एम वन ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं ए, एम टू ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं बी. तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इट इज द यूनिट वेक्टर एक्टिंग फ्रॉम ए टू बी. ये हो गई डायरेक्शन. ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन. तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है पूरे स्टडी के दौरान, सिर्फ क्या बताना, डायरेक्शन बताना. ठीक है, यूनिट वेक्टर का यही पर्पज होता है. ठीक, इसी तरह से एम टू विल बी अट्रैक्टिंग एम वन, ये तो हो गया. एम वन विल बी ऑल्सो अट्रैक्टिंग एम टू, किधर की तरफ, इधर की तरफ. सो फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है, एम वन एम टू पर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन एफ टू वन. ठीक है, इस डायरेक्शन को अगर मुझे लिखना है तो लेट सपोज मैं क्या लिख दूं, ये किधर से किधर जा रही है, टू से वन की तरफ. तो मैंने लिख दिया आर टू वन कैप. सो व्हाट इज आर टू वन कैप, यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए. एंड व्हाट इज एफ वन टू, फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम वन, वन है तो ऑन वन ड्यू टू टू. समझ में आ रही है बात. ठीक, इसी तरह से एफ टू वन क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एम टू ड्यू टू एम वन. ठीक है, ये एम टू. अच्छा सा, ये हमने सारी चीजें जो कुछ मैंने डायग्राम बनाया उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया बाय मेंशनिंग देम. तो आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज सफिशिएंट. हो गया, हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया, जो डायग्राम में जो भी क्वांटिटीज थी उनको हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं. ये छोटे छोटे तरीके हैं कि किस तरह से डेरिवेशन परफॉर्म किए जाते हैं. बिकॉज यू आर राइट नाउ इन ग्रेड 11, तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन इन फ्यूचर आप कैसे करोगे.
जरूरी नहीं है पूरी थ्योरी लिखे कि लेट F12 इज एक्टिंग ऑन ऐसे ऐसे, बस इतने शॉर्ट में लिख दिया, हो गई हमारी थ्योरी यहां तक की कंप्लीट। फिर रिमेनिंग जो बच रहा है वो आप थ्योरी में लिख सकते हैं। नाउ हियर कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेप वन लिख रहे हैं, आप चाहो तो सिर्फ फर्स्ट लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। व्हाट इज F12? ये तो मेंशन कर ही दिया वर्डिंग, तो अब किसके अकॉर्डिंग लगाना है फॉर्मूला? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है फॉर्मूला? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, लिख दिया साहब मैंने जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की आर ले रखी है हमने, ठीक है, क्लियर। डायरेक्शन, अब मैंने वेक्टर लगा दिया तो मुझे अब क्या भी मेंशन करनी है, डायरेक्शन। सो F12 वेक्टर किस डायरेक्शन के अलोंग है? R12 कैप। यही अगर मैं x एक्सिस बोल देता तो R12 कैप का मतलब क्या होता? आई कैप, समझ में आ रहा है? तो आई कैप को हटा के मैंने एक जनरल टर्म लिख दी R12 कैप, ठीक है। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे दूं तो इसको मैं लिख देता आई कैप, सिंपली आई कैप, समझने के लिए, क्लियर। अच्छा, बुक्स में आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आपको पता है कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स? दोज वेक्टर्स व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, वेरी गुड। देन हाउ दे विल बी रिलेटेड? ए इज इक्वल्स टू माइनस बी, यही होता है इसका मतलब। अगर ये ए वेक्टर है 10 मीटर का मान लीजिए लेंथ वाइज ले रहे हैं तो, और बी वेक्टर मैंने दे रखा है ये भी 10 मीटर का ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक इस डायरेक्शन में एक इसके अपोजिट, तो इसको रिलेट कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। तो क्या यहां पे R12 का नेगेटिव वेक्टर पूछूंगा तो क्या मैं लिखूंगा माइनस R21? यस और नो? तो क्या यहां पे मैं माइनस लगा रहा हूं? अगर मैं बाहर माइनस ले लूं तो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो डायरेक्शन क्या लिखूंगा? R21 क्या माइनस इसका जो आता वो यहां पे लिख दिया। ये किसका है नेगेटिव वेक्टर? R12 कैप। हाँ कि ना, बोलो समझ में आती है? क्योंकि R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21, समझ में आती है बात? माइनस साइन क्यों लगाते हैं बुक में? माइनस साइन ऑलवेज शोज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। माइनस साइन का मतलब क्या है? कि ये इसको इधर बुला रहा है, ठीक है। जैसे ठीक वैसे जैसे दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2 हो, ये छोटे मोटी चीज आपको पता होगी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक कोई सा भी नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए ये नेगेटिव है, तो फोर्स किधर आ रहा होता? माइनस Q2 पर, इधर किधर? तो हम इसमें क्या लिखते हैं? इसका आंसर होता माइनस का F इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो माइनस नेगेटिव साइन शोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब इसको कैसे भी मैं लिख सकता हूं, F12 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, डन। R12 कैप कुछ भी नहीं लगाऊं तो माइनस साइन लगा देने से क्या पता चल जाता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ गया। लेकिन यहां पे दोनों को कंपेयर करना है, इस वजह से अभी ये लिखना जरूरी है, R12 या R21, तो माइनस यहां पर नेगेटिव साइन शोज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जल्दी से देखते हैं F21 क्या हो जाएगा, क्विकली। जी M1 M2 आर स्क्वायर R21 कैप, एक तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लो तो माइनस आई कैप, ठीक है। क्या ये इसको भी लिख सकता हूं माइनस जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप? अब मैं इनको कंपेयर कर लूं 1 और 2 को, तो 1 और 2 में मैं कैसे कंपेयर करूंगा? या तो मैं 1 2 1 2 वालों को कंपेयर करूंगा या 2 1 2 1 वालों को कंपेयर करूंगा। तो इस स्टेटमेंट को देखना है तो फिर इधर R12 को देखना है, इस स्टेटमेंट को 2 1 को देख रहे हो तो इसमें इसको देखना है।
दोनों ही सिचुएशन में अगर ये माइनस है तो ये स्टेटमेंट प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है तो स्टेटमेंट माइनस है। कैन आई राइट एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू एंड मैग्नीट्यूड वाइज बोथ विल बी इक्वल, यस और नो? क्या यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि इफ टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन देन दे फॉर्म